झंखियारी प्रखंड के उदलबनी पंचायत अंतर्गत तिरंगा मोड़ से मामर कुदर होकर बोकारो को जोड़ने वाली सड़क जो काफी जर्जर अवस्था में है, जिसमें ग्रामीणों द्वारा आक्रोशित होकर रोड पर बने गड्ढे पर धान रोककर विरोध जताते हुए नजर आए। आसपास के कई गांवों के लिए ये सड़क लाइफलाइन मानी जाती है। कई गाँव के लोगों के जिला मुख्यालय आने जाने का रास्ता है। रोड काफी जर्जर हो जाने से स्कूली बच्चों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। आए दिन छोटी बड़ी घटनाक्रम घटती रहती है। कई बार स्कूली बच्चे गाड़ी से गिरने पर घायल भी हो चुके हैं, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। आसपास के ग्रामीण स्थानीय विधायक सांसद से रोड का निर्माण कराने की मांग कर चुके हैं। लोगों ने स्थानीय विधायक को कई बार शिकायत भी की, लेकिन नजरअंदाजी का आरोप लगाकर उनके द्वारा कोई सुध नहीं लेने की बात बताई गई। वेदांता ESL स्टील लिमिटेड सियालजोड़ी के निकटवर्ती इलाका होने की वजह से ग्रामीणों द्वारा प्लांट प्रबंधक को भी मामले की शिकायत की गई, लेकिन प्रबंधक द्वारा भी कोई पहल नहीं की जा सकी। हालांकि चंदन क्यारी के संवाददाता मुकेश कुमार ने स्थानीय विधायक अमर कुमारी बावरी से टेलीफोनिक माध्यम से बात की तो उन्होंने रोड की निविदा प्रक्रिया संबंधी पूर्ण होने, संवेदक को कार्यादेश जारी होने और बहुत जल्द शिलान्यास कराकर रोड निर्माण कर कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया। अंसारी, मैं एक समाज सेवी हूँ और मैं इस काम के लिए बहुत ही सरकार की ओर से भी और हमारे प्रशासन की ओर से भी बहुत ही निंदनीय और दुख की बात है। हम यही चाहेंगे कि हमारे CSR में ये जो वेदांता लगी है, इनको CSR के तहत देखना था। कल ही हमारे एक बच्चा गिरी, उसका सर फोड़ गया, सर फूट गया, कितना मुशक्क़त के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ सुन रहे हैं कि टेंडर हो रहा है। हमारे मंत्री जी के पास गए तो वो बोले कि हम पहले जैसा विधायक नहीं रहे, तो हम लोग इनके पास जाएं। इसलिए हम लोग बहुत ही दुख के साथ आज रोड में हैं। अगर हमारी इस नतीजे को आगे ना पहुँचाया गया, इस पर ना कोई कार्रवाई हुई, तो हम अगला कदम कुछ और उठाएंगे। चंदन के विधायक के पास आप लोग गए थे? क्या बोले कि अभी हम पहले जैसा विधायक नहीं रहे, हम तो अभी जाइए काम हो रहा है, आज 10 साल बीतने जा रहा है, अभी तक काम हो ही रहा है। जैसे कारखाना है वेदांता, हम लोग को इतना आशा और उम्मीद जगा था यहाँ के लोगों को कि हम लोग को रोड होगा, शिक्षा होगा, पानी होगा, बिजली होगा, लेकिन हम लोग को कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है। वेदांता भी हम लोग को बहुत अच्छी तरह से शोषण कर रहा है। तो बात ऐसा है कि देखिए, उधर इलेक्ट्रिक स्टील इधर है और उधर है बोकारो स्टील, बीच में हम लोग हैं और इसका 3 किलोमीटर बगल में हम लोग हैं। वेदांता, ESL प्लांट के समयवर्ती इलाका में कहीं ना कहीं सियासत फंड के माध्यम से रोड हो, शिक्षा हो, सड़क हो, बिजली हो, इस चीज का सुविधा मुहैया होना चाहिए, जो प्लांट प्रबंधक के द्वारा नहीं हो पा रहा। क्या कहना चाहेंगे? प्लांट प्रबंधक के द्वारा नहीं हो रहा है। अरे बोला था, पहले एग्री किया था कि हम सब बनाएंगे, यहाँ का शिक्षा देंगे, ये सब ग्रामीणों को शिक्षा देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, रोड देंगे, रोजगार देंगे, लेकिन ना रोजगार दे रहा है, ना रोड दे रहा है, पानी दे रहा है, ना बिजली दे रहा है। अब देखिए रोड का हालत कैसा है। सरकार को भी हम लोग यही माने, हम लोग तमाम ग्रामीण सब बोल रहे हैं। प्लांट से महज 1 किलोमीटर की दूरी अवस्थित इस रोड है, इस रोड का ये अवस्था है जी। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बस 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्लांट है, 1 किलोमीटर दूरी, और उनका ब्रिज गेट से ये इस तरह का माने समस्या है। चलिए, आपका बहुत बहुत। क्या नाम हो आपका? करनी महतो जी, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहने का मकसद है, हम भी आश्रम मुनि गाँव के समाज सेवी के रूप में ही जो भी कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग पहुँच जाते हैं। हमारे गांव आश्रम मुनि में अभी जो मेन सड़क है, ये सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आज से 7-8 साल पहले बन चुकी है, लेकिन अभी जो स्थिति है, इस रोड से लगभग 50 गांव आमने सामने का आना और जाना मेन रोड है। यहाँ आए दिन अभी जो रोड की स्थिति है, रोड में धान रोपनी हो रहा है, इतना बारिश जमी हुई है, इतना गड्ढा बन गया है, कहीं पेशेंट को ले जाना आना, डिलीवरी को ले जाना आना, स्कूल जाने आने वाले बच्चे को आना जाना और आने जाने वाले लोगों का दिक्कत है। यह है, इतना दिक्कत है कि बयां नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार से आग्रह है कि आवाज़ सरकार तक पहुंचे, हमारे सड़क बने। यहां जो 5 साल 5 साल फिर से 10 साल की सरकार हुई, लेकिन आना कानी करके अभी तक यही देखिए यहाँ का हाल ये है। आज सड़क में धान रोपनी हो रही है, तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हमारे आसन बने गांव की जनता का ही भला नहीं, इसमें 50 गांव का जो लगाव है, इसमें इजरी नदी पर पुल बंधा हुआ है, कितने यहां से पुरलिया
से लेकर के आपका लाल बंगला फूस बंगला उधर आपका दामोदर ब्रिज जो है यानी धनबाद तक इस रास्ता से लोग आते जाते हैं और ये रास्ता इतना खराब है। हमारे सामने जो अभी 10 साल पहले खुली है वेदांता इलेक्ट्रो स्टील, पहले इलेक्ट्रो रियाद के हिसाब से आमने सामने यानी 10 किलोमीटर के दायरे पर इनको बहुत कुछ करना था, लेकिन ये तो प्राइवेट कंपनी है, ये कुछ कर नहीं रही है, जनता के ऊपर सुध नहीं ले रही है, जनता किस तरह रह रही, बिजली पानी सड़क शिक्षा यही समस्या है, लेकिन मेन समस्या हमारी यातायात का सड़क। जी क्या कहना चाहेंगे, वेदांता ये असल प्लांट कहने के एक निकटवर्ती इलाका है, हाँ। निकटवर्ती इलाका का ये स्थिति है, हाँ। इस संदर्भ में आपका क्या विचार है? इस संदर्भ में विचार है कि अगर सुध ले तो वो अच्छा है। ये आपका गुजरात की कंपनी है अभी जो चला रहा है हेड ऑफ द बॉस मैनेजमेंट अनिल अग्रवाल जी, लेकिन इसका सुध बुध ये आज से नहीं, आज 10 साल से सोतेला व्यवहार हो रहा है वेदांता का, ये आसन बनी गांव का, बाद बाकी हम लोग देख रहे हैं सब गांव में छिके व्यवहार उसका। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।